मेरे चैनल मनीटी में, जहाँ पे हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मम्मी टॉक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है अल्ट्रासोनिक मिनी ज्वेलरी क्लीनर, जिससे आप अपने घर की सारी ज्वेलरी, कीज, कॉइन्स और जो हमारे वॉच बैंड्स होते हैं, सिल्वर और मेटल के वॉच बैंड्स होते हैं, उनको भी आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से आता है। इसका बॉक्स इस तरीके से आता है। इसमें आप जब भी आप खरीदें तो आप ये देख लीजिएगा, अल्ट्रासोनिक ज्वेलरी क्लीनर है ये। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ज्वेलरी क्लीन हो सकती है, कॉइन क्लीन हो सकता है, वॉच बैंड्स, नॉट वॉचेस, ओनली वॉच बैंड्स क्लीन हो सकते हैं और कीज। सो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये है हमारा मिनी ज्वेलरी क्लीनर और इसके साथ आता है ये मैनुअल। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया, और इसके साथ कुछ भी नहीं आता है। इसके साथ चार बैटरी इसके अंदर लगती है, जो कि मैंने खुद बाय करी है और वो मैंने फिट कर दी है, वो आप भी लगा सकते हो इजीली। और इसके नीचे तीन वैक्यूम लगे होते हैं, जिससे कि जब हम इसको रखते हैं और जब ये वर्क करता है ना तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करते समय ये अपनी जगह से हिले नहीं, इसलिए इसके नीचे वैक्यूम लगाया गया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। इसमें यहाँ पे बना हुआ है ऑन एंड ऑफ, तो हमने इसको इस तरफ ऑन किया तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, इट इज़ वर्किंग पोजीशन, और ये वाइब्रेट हो रहा है। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी कैमरे में, ये वाइब्रेट हो रहा है लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा है क्योंकि वैक्यूम लगा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसमें कैसे ज्वेलरी वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, ये हो गया ओपन। इसमें देखिए इतनी स्पेस है, आपकी जितनी ज्वेलरी डाल सकते हैं उसके हिसाब से। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वाटर डालना है हमें इसको, पानी को कुछ भी गर्म वरम नहीं करना है। इस लेवल तक पानी डालेंगे, सर्फ डालनी है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत सारी डालनी हो, दैट्स इट। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास गोल्ड बैंगल्स हैं, ये सिल्वर कॉइन्स हैं जो इस तरीके से गंदे हो जाते हैं, सालों तक रखे रहते हैं। और ये कीज़ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे यूज़ करेंगे। एक एक करके आप अपनी सारी, मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है और हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया क्लोज। तो चलिए मैं इसको अब स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। अब इसको हम 15 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट्स हो जाने के बाद इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। आफ्टर 3 मिनट्स ये फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और ये 15 मिनट की साइकिल फिर से चलेगी। उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं और अपनी ज्वेलरी निकाल के वाइप कर सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर आपकी ज्वेलरी आपको लगे कि हाँ ये साफ़ नहीं हुई है, उसके बीच में आप फिर से इसको वही सेम साइकिल आप रिपीट कर सकते हैं। और उसके बीच में आप कोई भी जगह काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसको लेके बैठना नहीं है कि आप हाफ एन आवर एक जगह बैठ गए और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेट इट बी लाइक दैट, इसको अपना वर्क करने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। तो ये स्टॉप हो चुका है, इसके 15 मिनट्स के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ज्वेलरी कितनी क्लीन हुई है। इसको हम अपनी सारी ज्वेलरी जो भी हमने डाली थी हम निकाल लेते हैं। इसको वाइप कर लेते हैं अच्छे से। देखिए आप जैसा देख सकते हैं, ये सिल्वर कॉइन्स जो काफी शुरू में आपने देखे भी थे ये गंदे थे और ये क्लीन हो गए हैं काफ़ी हद तक। और अभी भी अगर आपको वो लग रहा है कि यार और क्लीन होने चाहिए तो एक साइकिल और लगा दो। ये देखिए ये तीनों तो क्लीन हो गए हैं, ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा गंदा था तो हल्का सा रह गया, तो इसका एक साइकिल। और ये गोल्ड का ये बैंगल था ये पूरा क्लीन हो गया, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है।
ये देखिए ये बैंगल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है एक ही बार में। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये तीन जो कॉइन्स है, ये तीन मतलब चारों पांचों कॉइन में से एक कॉइन हल्का सा मैला लग रहा है, बाकी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बची ये की, ये थोड़ी ज़्यादा गंदी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छे से हम अगर टॉवल से रब करेंगे तो ये हो जाएगी। और नई भी होती है ना, तो ये काफ़ी पुरानी है और इसमें शायद जंग लगी हुई है इसलिए ये नई हुई। ये देख सकते हैं इसमें जंग लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अगर आप कहो कि देखो ये इन्होंने दिखाया था क्लीन हो गया और नहीं हुआ, तो देखिए अगर कोई जंग लगी हुई चीज़ें हैं तो मे बी वो क्लीन ना हो, या फिर वो तीन चार साइकिल चलाने के बाद क्लीन हो जाए। अगर आपका सिल्वर कॉइन होगा इतना ज़्यादा गंदा तो वो क्लीन हो जाएगा, बट ये लोहे की आयरन की चाबी होती है, ये लोहा में जंग पकड़ जाती है तो ये तो क्लीन नहीं होगी। राइट नाउ आई थिंक यू गाइज गॉट दिस ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो या गाइज, आपको ही मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाया, आपके सामने पूरा यूज़ करके दिखाया। सो गाइज, अगर मुझे इसको रिव्यू देना पड़े तो मैं 5 में से इसको 4 रेटिंग दूंगी, क्योंकि मैंने अभी एक ही साइकिल यूज़ किया, फर्स्ट टाइम यूज़ किया, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कॉइन्स एंड सिल्वर, ये गोल्ड का बैंगल। बट ये कीस नहीं हुई है क्योंकि ये आयरन की थी, तो इसकी इसमें क्लीनर ज्वेलरी क्लीनर की कोई गलती नहीं है। बट हाँ, मैं इसको, मुझे लगता है कि मैं इसको एक साइकिल और चलाऊंगी तो इट विल वर्क परफेक्टली। सो या मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मनी टी। थैंक यू, बाय।